अजमेर के रेल म्यूजियम स्थित क्वारंटाइन होम में एक युवा कोरोना पॉजिटिव मिला। मामला सामने आते ही प्रशासन सतर्क हो गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने म्यूजियम के अंदर और बाहरी इलाके में स्क्रीनिंग शुरू कर दी। पॉजिटिव युवक को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आइसोलेशन में भर्ती कराया गया है। रेल म्यूजियम में प्रशासन ने खानाबदोशों और इधर उधर घूमने वाले लोगों को ठहराया गया था। गुरुवार को एक युवक की तबीयत खराब हो गई, जांच में वह कोरोना पॉजिटिव निकला। यह जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। तत्काल म्यूजियम के चारों ओर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके सहित अजमेर में अब 6 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि 5 कोरोना पॉजिटिव जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती है, वह स्वस्थ बताए गए हैं। देखिए, आपके ध्यान में होगा कि कुछ शेल्टर होम्स बनाए गए थे, जिसमें कि ऐसे लोग जो कि हमारे जिले में किसी कारण से फंस गए हैं, उनको रखा जा करके उनको वहाँ पर खाना वगैरह की व्यवस्था करवाई गई है। उनमें से एक शेल्टर होम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सामान्य सामाजिक संपर्क वाली जगह नहीं है जहाँ पर उन्हें रखा गया है। वो जगह पहले ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल्ड प्लेसेस हैं। वहाँ के लोगों को ना बाहर जाने की छूट है, ना किसी से मिलने की छूट है। तो एक तरह से जो कर्फ्यू क्षेत्र में हम करते हैं, लगभग वही स्थिति इन शेल्टर होम्स में है। अब जिस जगह पर आप बता रहे हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति मिला है पॉजिटिव, वहाँ पर और सख्ती के साथ में पूरा कर्फ्यू जैसा हम उस पर्टिकुलर जगह के लिए करेंगे, क्योंकि ये लोग कोई वहाँ पर वहाँ के निवासी नहीं है। उस मोहल्ले में कर्फ्यू लगाने का कोई अभी औचित्य नहीं है, क्योंकि ये उस मोहल्ले के रहने वाले नहीं है। ये केवल उस प्रेमिसेस में रहते हैं। उस प्रेमिसेस में हम सख्ती और बढ़ा लेंगे, ताकि वहाँ का कोई व्यक्ति किसी भी और व्यक्ति के संपर्क में किसी स्थिति में नहीं आए। शेल्टर होम्स बनाए गए थे, जिसमें कि ऐसे लोग जो कि हमारे ज़िले में किसी कारण से फंस गए हैं, उनको रखा जा करके उनको वहाँ पर खाना वगैरह की व्यवस्था करवाई गई है। उनमें से एक शेल्टर होम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सामान्य सामाजिक संपर्क वाली जगह नहीं है जहाँ पर उन्हें रखा गया है। वो जगह पहले ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल्ड प्लेसेस हैं। वहाँ के लोगों को ना बाहर जाने की छूट है, ना किसी से मिलने की छूट है। तो एक तरह से जो कर्फ्यू क्षेत्र में हम करते हैं, लगभग वही स्थिति इन शेल्टर होम्स में है। अब जिस जगह पर आप बता रहे हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति मिला है पॉजिटिव, वहाँ पर और सख्ती के साथ में पूरा कर्फ्यू जैसा हम उस पर्टिकुलर जगह के लिए करेंगे, क्योंकि ये लोग कोई वहाँ पर वहाँ के निवासी नहीं है। उस मोहल्ले में कर्फ्यू लगाने का कोई अभी औचित्य नहीं है, क्योंकि ये उस मोहल्ले के रहने वाले नहीं है। ये केवल उस प्रेमिसेस में रहते हैं। उस प्रेमिसेस में हम सख्ती और बढ़ा लेंगे, ताकि वहाँ का कोई व्यक्ति किसी भी और व्यक्ति के संपर्क में किसी स्थिति में नहीं आए। सर, एक हैप्पी वैली से कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है, इस तरह की व्यवस्थाएं इनका क्या कहना है? देखिए, जहाँ पर भी हमें कोई ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि पहले कभी यहाँ पर आ गए और वो किसी कारण से यहाँ पर फंस गए, लॉकडाउन के बाद निकल नहीं पाए, वो सभी लोग जहाँ पर भी हमें मिल रहे हैं, यदि उनके पास में रहने के ठिकाने नहीं हैं, तो हम उन्हें शेल्टर होम्स में रखवा रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करवा रहे हैं और उनका मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं, ताकि कोई उसमें अगर कोरोना वाली बात है तो वो सामने आ जाए। बाकी ऐसे लोग निश्चित रूप से अगर कहीं पर हैं और हमारे पास में मिलते हैं, तो जो निर्धारित प्रक्रिया उसकी पालन किया जाए। देखिए, जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसे चोरी छुपे कहना उचित नहीं, क्योंकि वो हमने कभी उन्हें अप्रोच नहीं किया। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि लोग फंस गए हैं। बहुत सारे लेबर्स हैं जो कि हमारे यहाँ पर काम करते थे, उनको वापस जाना था पर वो नहीं जा पाए। आपके ध्यान में होगा, दरगाह क्षेत्र में 3-4 हज़ार जायरीन हैं जो कि केवल कुछ दिन के लिए आए थे, पर लॉकडाउन के कारण अब यहीं रह रहे हैं। तो ये चोरी छुपे वाली बात नहीं है। प्रथम दृष्टया ये फंसे हुए लोग हैं, जिनको कि पहले हमें मेडिकली उनको चेक करना है, और यदि उनमें सब कुछ पॉजिटिव मिलता है कि हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, यदि सब ठीक निकलता है, तो उन्हें हम शेल्टर होम्स में रखवाएंगे और उनका जो भी खान पान है उसका इंतजाम किया जाए। एक तरफ तो सर, जैसे आप कह रहे हैं, मतलब तो फिर कैसे सर होगा यहाँ पर लोगों की आवाजाही किस प्रकार से होगी? देखिए, जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो कि चलाई जानी जरूरी है। सरकार ने उसको देखते हुए ही कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं जो कि 21 तारीख से लागू होंगे। उन मॉडिफिकेशंस में जिन भी सर्विसेज को शुरू किया जाएगा उसके लोगों का आवागमन होगा। निश्चित रूप से पुलिस के लिए थोड़ा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हमें ज़्यादा व्हीकल्स और ज़्यादा लोगों को चेक करना होगा, पर हमारी टीम जो है इसके लिए तैयार है। हम हर गुजरते हुए वाहन को और लोगों को लगातार चेक करते रहेंगे। वो लोग जो कि इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के दायरे में होंगे, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र पर जाने की अनुमति होगी, वो अपना काम कर सकेंगे। और ऐसे कोई भी लोग जो कि बिना कारण के निकल रहे हैं, जैसे हम उन पर अभी तक सख्ती करते आए, वैसे ही सख्ती जारी रहेगी। और हम ऐसे सभी लोगों को मैं ये कहना भी चाहूँगा कि वो हमारा साथ दें। आपकी छोटी सी लापरवाही जो है पूरे अजमेर के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करें कि आप पुलिस के शिकंजे में आएँ, आपकी गाड़ी जब्त हो जाए या आपको गिरफ्तार किया जाए। पहले भी हम 16,000 से अधिक वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जो मॉडिफिकेशन है, उन मॉडिफिकेशंस के लिए हम अपने सभी टीम को, अपने पुलिस कर्मियों को ब्रीफ करेंगे
ताकि वो समझ जाएं कि किन किन लोगों को छूट मिलेगी और उस छूट के साथ हम अपनी इस शक्ति को मेंटेन रखेंगे। देखिए हमारा जो आज का पुलिस दिवस है जिसको कि हम हर वर्ष मनाते हैं, इस बार नहीं मनाया जा रहा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। मैं अपने सभी साथियों से उम्मीद करता हूं कि जो उन्होंने पिछले कई दिनों में बहुत मेहनत करके एक अच्छा नाम अर्जित किया है उसको मेंटेन रखें, कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कि पुलिस की साख को कोई भी नुकसान पहुंचे। हमारा काम केवल सख्ती करना नहीं है, हमारा काम लोगों को राहत पहुंचाना भी है। हमारा काम ये भी है कि हम ये ध्यान रखें कि हमारा व्यवहार लोगों को बुरा नहीं लगे। हम सख्ती केवल उन पर ही करें जो नियम कायदों को नहीं मानना चाहते हैं। आम आदमी हमारी सख्ती का शिकार नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने सभी साथियों से उम्मीद करूंगा कि वो इस बात को समझेंगे, राजस्थान पुलिस की मर्यादा को, उसकी गरिमा को और उसकी शान को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जो हम सभी के लिए शर्मिंदा का विषय बने।